कोविड महामारी के इस दौर में संजीवनी जन कल्याण सोसाइटी कनलोग अहम भूमिका निभाते हुए सामने आई है। इस कोरोना काल के दौरान संजीवनी जन कल्याण सोसाइटी की टीम द्वारा जहां जरूरतमंदों को राशन दिया जा रहा है, वहीं कनलोग वार्ड को सैनिटाइज करने के साथ साथ लोगों को मास्क सैनिटाइजर भी वितरित किए जा रहे हैं। संजीवनी जन कल्याण सोसाइटी द्वारा पिछले कई वर्षों से समाज हित से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर, पौधारोपण, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। इसी कड़ी में कनलोग वार्ड में सैनिटाइज करने के साथ साथ लोगों को मास्क सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। कोविड 19 की इस विकट परिस्थिति में संजीवनी जन कल्याण सोसाइटी की टीम ने अपने फोन नंबर भी सार्वजनिक किए हैं, ताकि यदि किसी जरूरतमंद का फोन आता है तो उसकी मदद सोसाइटी द्वारा की जा सकती है। सिटी चैनल को जानकारी देते हुए संजीवनी जन कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रमोहन ने बताया कि इस महामारी के दौर में वे लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर रहे हैं व अपनी पूरी टीम के साथ आम आदमी की सेवा के लिए मुस्तैद खड़े हैं। इस दौरान संजीवनी जन कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रमोहन ने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा। अब ये जो कोविड का जो टाइम है, इट इज़ वेरी टफ टाइम फॉर द कंट्री। इस टाइम पे हमारी सोसाइटी ने कुछ टीम को पिछले दो जब डेढ़ दो साल से, ये हमारा फोर्थ एक्सपीडिशन है। पिछले कल हमने पूरे कनलोग को सैनिटाइज किया और आप बिलीव करेंगे कि वी आर इन शिमला नंबर वन। यहाँ पे सैनिटाइजर का अगर भी हुआ है कभी वंस इन अ वाइल तो बड़ी रिक्वेस्ट हुआ है, चाहे इसको इग्नोरेंट कह लें आप, चाहे वो नेग्लिजेंस कह लें ऑन पार्ट ऑफ कॉरपोरेशन। मैं स्पेसिफिक कहूँगा, हमने अपने आप बैरल्स भरे, अपना सैनिटाइज लिया और पूरे कनलोग को हमने डोर टू डोर सैनिटाइज किया है। और अब हम शायद कह सकते हैं कि हमारा कनलोग जो है वो सैनिटाइज्ड टोटली है, कर सकते हैं। आज कितने परिवारों को राशन दिया आज हमने, भविष्य में क्या करेंगे? 40 किया है जी, 40 का किया है। और इसमें हमने चावल दाल आपके बाद चीनी, तेल, नमक, चाय पत्ती और इसके बाद आपका आटा दिया है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मटेरियल नहीं है, ये 7-8 दिन के लिए एक परिवार के लिए है। बट हम अगले हमारे जो नेक्स्ट हमारा मोटो रहेगा वो खैर नेक्स्ट 15 दिन के अंदर हम एक और करेंगे, बिकॉज इस टाइम पे हमारी सबकी बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री हमारी ड्यूटी है। हम लोगों को समझा सकते हैं कि आप मास्क पहने, आप सैनिटाइज रखें, आप मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखेगा आदमी, उसके ऊपर खाने को नहीं है। अगर वो घर से बाहर नहीं जाएगा तो वो जहर देगा अपने बच्चों को। डिस्टेंसिंग तो वेरी इजी टू से, डिस्टेंसिंग हर आदमी करेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा खाना ना। अब खाना जब आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, हर महीने पानी के टैंक बिल 6-6 हज़ार रुपये के, 7-7 हज़ार रुपये के बोल देंगे, इसकी तो चल रही है कंसल्टिंग चल रही है, आदमी जाएगा कहाँ जी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।